में क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ के केपी वाले चैप्टर में हम लोग एनथ टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, मींस एनथ टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एनथ टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। हमारी जो हेडिंग होगी वो एनथ टर्म ऑफ एनएपी के लिए कि जिसमें एनथ टर्म दिए गए हो और उसके एपी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हम लोग जाने कि लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन कहाँ तक ए एन तक वैल्यू है, बी एंड ए बी हूज फर्स्ट बी एंड ए पी हूज फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ए वन एंड कॉमन डिफरेंस बी। कॉमन डिफरेंस डी डिफरेंस ऑफ बी। अब इसमें आप देखिए कि अगर कोई सीरीज आपको दे दी गई, इस सीरीज में जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको हम लोग ए वन कहते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं डी। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए। अब फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम लोग चेक करें तो फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, सपोज करिए कि फर्स्ट टर्म को अगर हम सेकंड टर्म को ए प्लस बी कहते हैं तो फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे। चलिए फर्स्ट टर्म के लिए वही पुराना वाला फॉर्मूला जैसे ए प्लस एन माइनस वन और इनटू क्या होता है। फर्स्ट टर्म में आपकी ए वन की वैल्यू कितनी दिया गई, ए की वैल्यू कितना है ए वन, इसको हमने क्या कह दिया ए वन। अब यंग के प्लस पर यहाँ तक फर्स्ट के लिए कितना है वन होगा, इसका मतलब कि अगर हम इसको वन माइनस वन कर दिए और यहाँ कितना है डी, तो वन में से अगर वन को निकाल दिए तो हो जाएगा जीरो और जीरो का किसी डिजिट में इंटू करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो मान लिया कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया ए वन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टर्म की, सेकेंड टर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड टर्म में होता कुछ यूं है कि इसको हम लोग ए टू कह लेते हैं और फिर उसके बाद में ए टू के साथ साथ इसमें फिर वही पुरानी बात एन माइनस वन इंटू बी, इसको जब सॉल्व करेंगे सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू। अब यहाँ आपने ए टू और यहाँ टू पुट कर दिया, उसके बाद में माइनस वन कर दिए डी कर दिए। अगर इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे यहाँ मिलता है ए टू और प्लस दो में से एक जाएगा तो एक एक का इसमें इंटू कर देंगे तो डी। तो याद रखना फर्स्ट टर्म के लिए ए वन, दूसरे टर्म के लिए ए टू प्लस डी और तीसरे वाले में करेंगे तो टू डी। तो इस तरीके से आपका सेंस बनता जाएगा। जैसे अगर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड की बात करते हैं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म्स की जब हम लोग बात करेंगे तो उस प्लेस पर जहां आपके यहाँ ए टू प्लस डी आया था आपकी बार क्या आएगा ए थ्री प्लस, यहाँ एक डी आया है इसमें टू डी। याद रखना तीन में से एक को घटाएंगे तो दो आएगा। अब इसके बाद में अगर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में ए फोर हो गया, यहाँ कितना हो गया थ्री। इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनती चली जाती है, इस तरीके से आपकी ये सीरीज बनती चली जाती है और कहाँ तक जाती है एनथ टर्म तक। और एनथ टर्म का मतलब कितना ए एन इज इक्वल टू बी, आपके यहाँ ए एन इज इक्वल टू बी ए प्लस एन माइनस वन ए टू बी, ए प्लस एन माइनस वन बी तक के होता है। सो द एनथ टर्म एन ऑफ द ए पी with first term of a and common difference d is given by an is equal to b a plus n minus 1। वही सिस्टम इसमें है, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ए वन इज ए, जो इसका पहला टर्म है वो क्या है ए वन इज ए और जो कॉमन डिफरेंस है उसको आपने सपोज कर लिया है d, तो उस केस में a प्लस एन माइनस वन इन टू डी का एक जनरल फॉर्म है और जनरल फॉर्म में हमने ए वन को क्या सपोज कर लिया था a। नाते ए वन वाले फिर में हमने इसको पुट किया तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस प्लेस पर आपको वन मिल गया।
इस तरीके से कहाँ तक हम लोग लिखते चले आए थे n इज इक्वल टू बी a प्लस n माइनस 1 इनटू b, लेकिन इसको वर्ड में हम लोग कैसे कहते हैं, इस नाते प्रॉपर्ली दिया द नेक्स्ट टर्म ऑफ n ap विद द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय n इज इक्वल टू बी a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। अब हम लोग जाने कि an क्या है, तो आप an इज आल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म of an AP, general form of an AP, ये जो AN है वो AP का general form, इसको हम लोग क्या कहते हैं, A is also called general form of an AP value, GT, term की बात कर रहे हैं, term, GT of the AP, तो ये AP का concept हो गया, formula क्या है, A is equal, A is equal to B, A plus N minus 1 into D, निशान आपको तैयार होनी चाहिए और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके यहाँ बेस्ड ऑन एनएफ टर्म ऑफ एन एपी, एपी पर कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जांपल दिए जा रहे हैं इसको सॉल्व करके, और उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन और देंगे आप लोगों को करने के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन है फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी, फाइंड tenth term of the AP, of AP, इस सीरीज को सेट करने के लिए हम लोग कुछ इसे 2, 7, 12 ये क्वेश्चन लिखा। सवाल आपसे है कि फाइंड द tenth term of the AP 2, 7, 12 and so on। अब देखिए nth टर्म की बात किया जाए जो कि आपके यहाँ डेफिनेशन दी गई थी अभी, इसके पहले nth टर्म के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं ए एन इज इक्वल टू बी ए प्लस एन माइनस वन इन टू, ये इसका सिंपल बेस फार्मूला होगा, सिंपल बेसिक फार्मूला। अब इसमें हम लोगों को जानना है कि nth टर्म किसको कहा जाता है, ए एन को ही, यहाँ nth लिखा है यहाँ टेंथ लिखा है, nth के प्लेस पर 10th 12th 15th जो इच्छा सो आप कर सकते हैं इसमें। अभी हमने कहा था an इज आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ ap, यानी ap का जो जनरल टर्म होता है उसको हम लोग an के नाम से ही जानते हैं। अब आइए सभी चीजों को इसी क्वेश्चन में हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को बोर्ड पर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ना करें, साथ ही साथ आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए और उसके बाद में जितने क्वेश्चन दिए जाएं उसको नोट करना चाहिए और जो सॉल्व करने लायक हो सेल्फ से उसको स्वयं सॉल्व करना चाहिए। आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले nth टर्म की बात करते हैं, तो nth टर्म को हमने क्या बोलता है, हमने अभी आपसे कहा था कि n इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ ap, मींस क्या है कि जो an की वैल्यू है उसी को आपको फाइंड करना है और nth टर्म के प्लेस पर यानी n की जो वैल्यू है वो कितना होगी। फर्स्ट टर्म को अभी हमने कहा था कि a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ a, यानी a के प्लेस को हमने a1 का नाम दिया था, इसको पहले वाले टर्म को हम क्या कहते हैं a, ये हो गया 2। इसके बाद में हम लोग चेक करें कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हमने कहा था a2 माइनस a1 का फॉर्मूला लगाइए, फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं a3 माइनस। अच्छा 2 टाइम्स क्यों किया, इससे पता चले कि ये AP है। बहरहाल अगर क्वेश्चन आपको AP का देगा तो वो सीरीज पहले से ही बना के देगा कि वो AP में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। देखिए 7 में से 2 को अगर निकाल देंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू भी कितना हो गया 5, यहाँ 12 है, 12 में से अगर 7 को निकाल देंगे तो कितना आएगा 5। मीन्स कहने का मतलब अगर इस सीरीज को हम लोग बनाते चले जाए तो इसमें इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता रहेगा, तो दिस कॉल्ड एपी, इस सिस्टम को हम लोग एपी कहते हैं, जिस सीरीज के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। अब आपके यहाँ लिखा क्या है, एन की वैल्यू कितना, nth टर्म दिस n, n इज इक्वल टू वी 10 एंड n इज इक्वल टू वी 2, फिर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू वी आपका 5 ये लिख दिया गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग के लिए आपके यहाँ फार्मूला इसका लिखा है, फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू बी ए प्लस
एन माइनस वन इंटू बी। याद रखना कि जहाँ टी एच लगा होगा एंथ टर्म उसको एन कहते हैं, पहले वाले टर्म को हम लोग ए कहते हैं, और दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग फाइव कहते हैं। आइए ए एन को फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू बी, ए के प्लेस पर कितना रखेंगे हम, ए के प्लेस पर आपके यहाँ टू है, प्लस एन कितना दिया गया है टेन है, एन माइनस कितना हो गया वन, और कॉमन डिफरेंस इसमें कितना लिखा गया फाइव। इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, टू हो गया, टेन में से वन को निकाल देंगे तो नाइन आएगा, और इधर कितना है फाइव, नाइन फाइव जब फोर्टी फाइव इन टू को अगर ऐड कर लेंगे तो फोर्टी सेवन हो गया। लाइन और लिख लीजिए, यहाँ टू हो गया और फिर प्लस नौ बचे पैंतालीस, पैंतालीस में दो को जोड़ देंगे तो सैंतालीस, मीन्स जो ए एन की वैल्यू थी वो आपको कितना मिल गया फोर्टी सेवन। इस तरीके से आपको इस पर तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड पर लिखते हैं। करेंगे खाली हाथ से नहीं है कि व्हिच टर्म ऑफ ए बी 21 18 50 इज 81, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर कहता है कि आल्सो इज एनी टर्म 0, फिर क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इस चीज को पढ़िए और उसके बाद में इसका रीजन के साथ साथ आंसर दीजिए। तो पहले आपसे सवाल है कि व्हिच टर्म ऑफ द ए बी 21 कॉमा 18 50 इज माइनस 81, तो 81 के लिए सबसे पहले हेयर सॉल्व करिए इसको। हेयर ए वन इज 21, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो कॉमन डिफरेंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 आएगा। 18 में से अगर 21 को निकालेंगे तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला कि d इज इक्वल टू बी ए टू माइनस ए वन, फिर ओ आर ए थ्री माइनस आपका हो जाएगा ए टू, तो इसको जब मतलब 18 में से 21 को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 3, और उसके बाद में 15 में से अगर 18 को निकालें फिर भी आपका माइनस 3 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 21, डी की वैल्यू कितना है 3। उसके बाद कह रहा इज, मैथ में याद रखना इज का सेंस होता है इक्वल्स, जैसे अभी हमने आपको फॉर्मूले बताया था कि ए एन इज इक्वल टू बी ए प्लस एन माइनस वन। आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द ए पी, यानी इसमें सवाल है कि आप एन बताइए कि इसका एन क्या है, क्या सवाल है, एन फाइंड करने के लिए पूछ रहा व्हिच टर्म, और यहाँ क्या बात करते हैं एनथ टर्म को ही एन कहते हैं। तो टर्म की जब बात आई एनथ टर्म पे तो हम लोग पहले सेंस लगाए कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल है। इसको चेक करिए, जैसे हमने आपसे कहा फार्मूला यहाँ लिखिए, जितनी टाइम्स आप फार्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। इसको खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए कॉपी पेन क्वेश्चन के साथ चलना चाहिए। माइनस 81 है, अब देखो ए एन के प्लेस पर कितना आप रखोगे, ए एन के प्लेस पर माइनस 81, इज का मतलब हमने बताया था इक्वल, इक्वल के इधर सारी वैल्यूज आपको पता है, इसका मतलब क्या नहीं है ए एन नहीं है, और साथ ही साथ में आपसे सवाल है कि व्हिच टर्म ऑफ द ए पी, और फाइन क्या करना है टर्म, तो टर्म को किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी हमने आपसे बताया था कि इसको हम लोग स्मॉल से यूज करते हैं, यानी यानी ये क्वेश्चन मार्क। अब ए एन के प्लेस पर हमने कितना पुट कर दिया, माइनस 81 इक्वल टू बी ए के प्लेस पर कितना है 21, फिर प्लस एन हमको मालूम नहीं है, उसके बाद में डी की वैल्यू जो दी गई है कितना है माइनस 3, इसके बाद माइनस 81 इक्वल टू बी 21 प्लस इसका इसमें इंटू करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस में इंटू होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब यहाँ हो गया माइनस 3 एन, उसके बाद इसका इसमें इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3। याद रखने वाली बात यह है कि अगर इसको हमने माइनस 3 एन कह दिया तो ठीक है, आप पहले कांस्टेंट कांस्टेंट को चेक करिए, 21 में 3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24, और माइनस यहाँ कितना हो गया 3 एन, फिर उसके बाद में कितना हो गया माइनस 81, हमको निकालना है किसको पी एन को, तो आप पी एन को यहीं पड़ा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस में इसको रहने दीजिए, 24 को इधर कर लिए तो माइनस 81 था, और ये 24 पहले प्लस में है, अब इधर आएगा तो इसमें माइनस में हो जाएगा, मीन्स होगा कितना 24, तो यहाँ हो गया 81 में अगर 24 को ऐड करोगे तो 4 में 1 को ऐड किया 5 हो गया, 8 में 2 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 10, और देखो हमेशा माइनस जुड़ता माइनस में, तो
तो माइनस थ्री एन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब यहाँ से हमको निकालना है किसको, ही एन को। तो क्वेश्चन में थ्री एन इक्वल टू भी 105 हो गया। एन को अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा नाइन और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, यानी एन की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 35। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो गई 35, एन की जो वैल्यू आ गई वो कितना है 35। देयरफॉर द 35 फिफ्थ इज द टर्म ऑफ ए बी इज 81। 81 के लिए आपका जो nth टर्म आ गया वो कितना आया 35। उसके बाद में आपसे फिर कह रहा है, सवाल है कि आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको बताना है कि जो अगला दूसरा कोई टर्म है उसको ए एन कहेंगे और वो ए एन कितना है जीरो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेंगे और आधा जो आपका बचा है इधर हाफ उसको इधर कर लेते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे कि ए एन इज इक्वल टू बी जीरो, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ से इतने का आंसर है, देखिए ए एन इज इक्वल टू बी कितना हो गया जीरो। अब वही पुरानी बात है, इसमें ए एन की वैल्यू जीरो हो गई और जो सिर्स पहले दिया गया था वही सब रहेगा, यानी फर्स्ट टर्म आपके लिए फिर वही जो सीरीज है ए इज इक्वल टू कितना 21, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस थ्री। उसके बाद में अब सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, फिर फॉर्मूला लगाइए ए एन इज इक्वल टू बी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया जीरो और फर्स्ट टर्म आपके यहाँ कितना है 21 और फिर एन माइनस वन की बात आई तो यहाँ कितना है एन माइनस वन। एनथ टर्म इसमें भी जहाँ टर्म की बात आएगी वहाँ याद रखना कि हमको एनथ टर्म ही फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस थ्री। इसके बाद में हमने क्या किया 21 और इसका स्क्वायर टू कर दिया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना 3n और इसका फिर जब 1 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 3, इसको टू में कितना हो गया 0। अब याद रखने वाली ये बातें हैं कि इसमें 3n है, 21 में अगर 3 को आप लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 और माइनस कितना 3n, इसको टू में 0। अगर इसको हम लोग LHS से RHS में लेके जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3n प्लस में और इधर कितना 24 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसको टू में कितना 8, यानी कि 3 8 24। तो आपके यहाँ दोनों टर्म की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई। सो द यथ टर्म इज जीरो, तो किसके लिए है सो द यथ टर्म इज जीरो, यानी आपको जो टर्म की वैल्यूज है वो एन की वो जीरो दी गई है और किसके लिए है यथ टर्म के लिए वैल्यू जीरो हो गई है, प्रूव हो गया। इसके बाद यहाँ 35 था तो इसके लिए हम लोग ए बी ने ए माइनस 81 कर दिया। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप सॉल्व करेंगे।